बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। पूरे हिमालय क्षेत्र जो है जनजातियों के घर है, बहुत सारे जनजातियाँ अपने देश में रहते हैं, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण जनजातियाँ जो है दार्द आर्या कम्युनिटी है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अभी है, जो गिलगित वहाँ से सदियों से पहले वहाँ से आके पूरे लद्दाख में और कश्मीर के अलग अलग जगहों पे बसे हुए हैं। उसमें सर मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के दाहनु, गरकोन, दर्चिक, गुरगुरदो, चुलीचंद, शारसे, सनाचे और करकित, बटगम, काकसार, चनीगुन और दराज सब डिवीजन और कश्मीर के गुरेस और तिलेल, ये एरिया में जो है दार्द आर्यन रहते हैं, जिनका कल्चरल इम्पोर्टेंस, अलग इथनिसिटी इस देश का जो है एक अलंकर है, और नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए और नेशनल इंटीग्रेशन को देखते हुए इस बात पे तवज्जो दिया जाए, जो 1999 का जो कारगिल वार हुआ था वो इसी क्षेत्र में लड़ा गया, जब भारतीय सेना के साथ इस कम्युनिटी ने कंधे से कंधा मिल के, कदम से कदम बढ़ के जो है इस देश के सीमा सुरक्षा के लिए अपने जान माल पूरा दांव पे लगा के इस देश के सेवा किया सर। आज ये आर्यन कम्युनिटी जो है पॉपुलेशन वाइज कम हो रहा है, इनके लैंग्वेज जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कल्चरल जो है खतरे में है। मेरे आपके माध्यम से, यहाँ कल्चर के ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से लाना चाहता हूँ इनके कल्चरल को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ इनके लैंग्वेज में जो है, जो दार्दी आर्यन लैंग्वेज जिसको हिस्टोरियन कहते हैं, इस दार्दी आर्यन लैंग्वेज को अलग से अलग अलग प्रोग्राम चलाया जाए, और साथ ही साथ जो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन केंद्र जो ले और कारगिल में है और कश्मीर में है, इस रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन के माध्यम से इनके लैंग्वेज में भी अलग अलग प्रोग्राम चलाया जाए, ताकि इस दार्दी आर्या के जो कल्चर, इनके जो डिस्टिंक्टिव कल्चर और आइडेंटिटी जो है बरकरार रहे। मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्री राजमोहन उन्नीथन जी,